तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट शुरू करते हैं, जो एक एमटी का पार्ट है आपका। ओके, तो ईएमटी के अंदर माइक्रोवेव का आपका पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वीएसडब्ल्यूआर की बात कर रहा है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की, ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज ऑलवेज, तो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आपका जो वीएसडब्ल्यूआर है वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ओके, तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वन से बड़ा मतलब इन्फिनिटी तक होगा, इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ नहीं है, तो ये रेंज होगी इसके इन्फिनिटी से लेके वन तक वीएसडब्ल्यूआर की। फिर आता है आपका TEM मोड एग्जिस्टिंग, ये आपका TEM मोड मतलब EM दोनों एक साथ, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो आपका कोएक्सियल केबल के अंदर आपको ये दोनों वेव मोड एग्जिस्ट कर सकते हैं, वेव गाइड के अंदर नहीं कर सकते, सर्कुलर के अंदर भी नहीं और आपका रेक्टेंगुलर के अंदर भी नहीं, ठीक है, एक साथ TEM एक साथ की अगर बात करें तो ये आपका, और नन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ऐसा तो है नहीं, तो कोएक्सियल केबल में आपके ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और वेव गाइड का, सॉरी VSWR का आपका फॉर्मूला है, VSWR इज 1 प्लस टाओ और 1 माइनस टाओ, तो माइनस नीचे है, ये याद रखेंगे। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ VSWR का जब फॉर्मूला देख रहे हैं तो आपका 3 दिया है, ठीक है, VSWR इज 3, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 1/2। आप इसमें वैल्यू रख के देख लो, 1/2 और सॉल्व कर लो, 3 आपका बन जाएगा, तो 1/2 हमारा होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो VSWR 3 मिलेगा हमें। उसके बाद आता है, विच ट्रांसमिशन लाइन इज आइडियल फॉर हैंडलिंग हाई पावर, तो हाई पावर के लिए आपका रेक्टेंगुलर वेव गाइड, मतलब कुल मिला के तो वेव गाइड आप यूज़ करो अगर आपको हाई पावर हैंडल करनी है तो। ओके, कोई एक्सियल लाइन नहीं, माइक्रो स्ट्रिप नहीं, स्ट्रिप नहीं, ठीक है, वेव गाइड। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 225, यहाँ पे भी यही चीज़ बोली है कि इन अ ट्रांसमिशन लाइन, ओके, इन अ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड विद अ लोड इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, तो एक लोड जो कि कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के इक्वल है, ठीक है, ZL ये है और कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ये है ZO, तो ये ZL ZO के इक्वल है जो क्वेश्चन में दे रखा है, द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज, तो कोई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, इसमें माइनस ऊपर रहता है, और जब VSWR का फॉर्मूला लगाते हैं जो इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वहाँ पे माइनस नीचे रहता है, तो माइनस ऊपर है तो ZL इज इक्वल टू ZO, तो ये जीरो आ गया, तो कुल मिला के जीरो आ गया, तो जिस भी केस में ZL ZO के इक्वल है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ZL ZO के इक्वल है, तो आपका ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है तो वो आपका कैसा हो गया, जीरो हो गया वहाँ पे। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ZL आपको इन्फिनाइट दिया है। ओके, क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, फिर देखते हैं, इन इफ अ लाइन इज टर्मिनेटेड इन एन ओपन सर्किट, अगर एक लाइन को टर्मिनेट करते हैं ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट का मतलब समझो, ओपन सर्किट का मतलब है आपका ZL इन्फिनाइट है, ये याद रखेंगे, ठीक है, लाइन टर्मिनेटेड इन एन ओपन सर्किट, तो आपका ZL इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है तो फिर ये आपका क्या दे देगा, वैल्यू 1 दे देगा। कैसे 1 दे देगा ये देखना जरूरी है, आप इधर से ZL को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया 1 माइनस ZO अपॉन ZL, और ZL को नीचे कॉमन ले लो 1 प्लस ZO अपॉन ZL। ओके, तो ये ZL ZL कट कर दो, और यहाँ पे फिर आप क्या रख दो, ZL की जगह इन्फिनाइट रख दो, तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनाइट, जो कि बना देगा 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 1 प्लस 0। तो ये याद रखेंगे कि अगर ओपन सर्किट में टर्मिनेट करते हैं लाइन को तो ZL आपका इन्फिनाइट है, और आपका जो रो आएगा, या ये रो बोलो या फिर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोलो, ये तो ये आपका 1 आ जाएगा, और अगर ये 1 आ गया तो VSWR ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, तो ये आपका 1, ये आपका 2 अपॉन 0 आ गया, तो ये इन्फिनाइट आ गया। तो कुल मिला के सीधे से अगर आपका ZL इन्फिनाइट है तो आपका VSWR भी इन्फिनाइट हो जाएगा, अगर ZL इन्फिनाइट हो तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। ओके, तो जैसे ओपन सर्किट की बात करी आपका VSWR भी इन्फिनाइट हो गया, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, ओपन सर्किट की बात जैसे ही हमने करी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 226, तो VSWR हमें दिया है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा है, एक तो आपका वही तरीका है, क्या तरीका है कि VSWR इज इक्वल टू आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और आपका 1 प्लस रो और नीचे 1 माइनस रो। ओके, यही था ना, 1 प्लस रो 1 माइनस रो, हाँ 1 प्लस टाओ और 1 माइनस टाओ, मतलब रो टाओ एक ही बात है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो आप इसमें VSWR को इसको 2 रख दो और इसमें आप चेक कर लो कि क्या चीज़ फिट बैठेगी। ओके, जैसे इसमें 1/3 रखा तो ये 1 प्लस 1/3 क्या बन गया, 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/3, तो ये तो बन गया नीचे 2/3 नीचे, और ऊपर क्या बन गया आपका 3 प्लस 1 4/3, तो जब आप इसको ये 3 से 3 गया 2 से 2 गया तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका फिट बैठ रहा है। एक तो ये तरीका है कि आप चेक कर लो कौन सा फिट बैठ रहा है इन फॉर्मूले में, दूसरा तरीका आप फॉर्मूला को उलट दो, अगर VSWR इसके इक्वल है तो आपका जो
ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रो या फिर टाउ ये इज इक्वल टू वी एस डब्ल्यू आर माइनस वन और अपॉन वी एस डब्ल्यू आर प्लस वन। तो एक ये फार्मूला भी होता है जब आप वी एस डब्ल्यू आर के टर्म्स में फार्मूला लिख रहे हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। ओके, तो टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन ये आपको वन बाई थ्री दे देगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 227। ये फैक्ट है एक कि द लेंथ ऑफ अ लॉसी शॉर्टेड स्टब इज 1/32 लैम्डा। एक क्या है, लेंथ दे रहा है 1/32 लैम्डा, किसकी दे रहा है, वो भी लॉसी शॉर्टेड स्टब। ठीक है, लॉसी है, शॉर्टेड है और स्टब है, इज 1/32 लैम्डा। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स इनपुट इम्पिडेंस, उसके इनपुट इम्पिडेंस का नेचर क्या होगा। अ लो इंडक्टिव रिएक्टेंस इन सीरीज की अगर बात करें, इन सीरीज विद अ लो रेजिस्टेंस, लो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं विद इन सीरीज विद अ लो रेजिस्टेंस। तो अगर ऐसा कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन फिक्स है कि आपका 1/32 लैम्डा आपका लेंथ है, एक लॉसी शॉर्टेड स्टब की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि नेचर ऑफ द इनपुट इम्पिडेंस कैसा होगा, इनपुट इम्पिडेंस आपका कैसा होगा, लो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा इन सीरीज विद अ लो रेजिस्टेंस। मतलब कुल मिला के ये मतलब है कि ये आपका ये है और इसके संग ये रेजिस्टर सीरीज में, दोनों लो वैल्यू के हैं। ओके, लो इंडक्टिव रिएक्टेंस और लो आपका रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के अपने दिमाग में आपको रखना है। ओके, लॉसी शॉर्टेड स्टब 1/32 लैम्डा आपकी लेंथ है, एक आपका इंडक्टेंस है जिसकी लो इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू है और एक आपका सीरीज में रेजिस्टेंस है जिसकी भी लो ही वैल्यू है। उसके बाद 228 हमने देख लिया, अब आते हैं 229 पे। उसके पहले देख लेते हैं 230 और 31। 230 में क्या कह रहा है, फॉर अ लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस जेड ओ टर्मिनेट विद अ लोड जेड आर। तो जेड ओ को जेड आर से टर्मिनेट किया हमने, जेड आर जेड ओ से बढ़ा, ये क्वेश्चन में दे दिया। द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इज गिवन बाय, तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो हमारा क्या होगा हमें ये बताना है। तो वी एस डब्ल्यू आर क्या होता है, 1+ρ अपॉन 1-ρ। तो ये आपको वी एस डब्ल्यू आर का फॉर्मूला तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें माइनस नीचे है और जब रो निकालते हैं तो इसमें माइनस ऊपर है, ये याद रखेंगे। तो रो क्या होता है, जेड आर माइनस जेड ओ और जेड आर प्लस जेड ओ। अब अगर जेड आर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे बड़ा है, जेड ओ से इस केस में, तो यहाँ पे क्या है, आप अजम्पशंस थोड़े से करोगे, आप किसी को नेगलेक्ट करोगे, किसी को लोगे, उसके बाद जो फाइनल बात आएगी तो आपका वी एस डब्ल्यू आर जो फाइनल है वो आपका जेड आर अपॉन जेड ओ हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट वी एस डब्ल्यू आर याद रखेंगे कि वो आपका जेड आर अपॉन जेड ओ हो गया डायरेक्ट, अगर जेड आर जेड ओ से बहुत बड़ा है तो ऊपर बड़ी वाली वैल्यू नीचे छोटी वाली वैल्यू। तो ये जो 1+ρ अपॉन 1-ρ ये सब कट कटा के आपका जेड आर अपॉन जेड ओ आ जाएगा 230 की बात करेंगे तो। उसके बाद बात करेंगे 231 की, तो डिसएडवांटेज ऑफ अ सिंगल स्टब मैचिंग इज कम्पेयर टू डबल स्टब मैचिंग। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ISR का क्वेश्चन 2010 का। एक तरफ बात कर रहे हैं सिंगल स्टब मैचिंग की और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं डबल स्टब मैचिंग की। ओके, दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं डबल स्टब मैचिंग की। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि द स्टब पोजिशन हैज़ टू बी एडजस्टेबल, जो स्टब पोजिशन है वो आपकी एडजस्टेबल होनी चाहिए। ओके, अगर किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल की, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। तो सिंगल स्टब मैचिंग का क्या डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे आपको जो स्टब की पोजीशन है उसको एडजस्टेबल रखना पड़ेगा। ओके, और डबल में ऐसा नहीं करना पड़ता है, तो सिंगल में आपको एडजस्टेबल रखना पड़ता है। उसके बाद ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया आपका, क्वेश्चन नंबर 229 जो भी ISRO 2009 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कंसीडर अ ट्रांसमिशन लाइन, ओके, और कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस 50 ओम एंड द लाइन इज टर्मिनेटेड एट वन एंड बाई जे प्लस जे 50 ओम। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस मतलब जेड नॉट तो आपका क्या है, 50 ओम। ओके, और उसको टर्मिनेट किया आपका प्लस जे 50 ओम से, ये आपका जेड एल हो जाएगा, क्योंकि लोड पे इसको जो टर्मिनेट करते हैं, चाहे शॉर्ट सर्किट करो, कुछ भी करो, जैसे ओपन सर्किट के लिए इन्फिनाइट जेड एल, शॉर्ट सर्किट के लिए जेड एल आपका जीरो, और इस तरीके से ये वैल्यू अलग है। तो इसकी यहाँ पे हमारी ये वैल्यू हो गई। उसके बाद वी एस डब्ल्यू आर प्रोड्यूस इन द ट्रांसमिशन लाइन विल बी, तो वी एस डब्ल्यू आर आपसे पूछा है, पहले आप रो निकालो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो जेड एल माइनस जेड ओ, तो आपका 50 जे माइनस 50, 50 आप कॉमन लेके जे माइनस 1 जे प्लस 1, तो ये सॉल्व होगी, केवल आपका जे बचा। ओके, तो और मॉड रो की अगर बात करें तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर या फिर 1 आ गया आपका। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आपका रो 1 रो जे है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप रो का, तो वो केवल 1 आ जाएगा यहाँ से। ओके, कैसे आ जाएगा, बहुत सिंपल है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, जे इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब ये 1 आ गया तो 1+1 अपॉन 1-1, तो 1-1 0, तो ये इन्फिनाइट दे देगा। इस केस में भी आपका जो वी एस डब्ल्यू आर है वो आपका इन्फिनाइट हो जाएगा।
उसके बाद आगे चलते हैं, 231 हो गया, 232 पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे भी ये ओ लॉसी ओपन स्टब हैविंग की बात करिए, ऊपर वाले में क्या था, ये 231 में सिंगल स्टब था। ओके, ये था 227 में लेंथ ऑफ अ लॉसी शॉर्टेड स्टब की बात करी थी, 1/32 लैम्डा थी। ओके, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि अ लॉसी स्टब हैविंग, ठीक है, लॉसी स्टब ओपन, ठीक है, लॉसी भी है ओपन भी है, स्टब हैविंग अ लेंथ ऑफ 1/32 वेव लेंथ, ठीक है, लैम्डा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, तो अगर ये बात करेंगे लॉसी ओपन स्टब की और यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं, यहाँ पे लॉसी शॉर्टेड स्टब था, तो देखो दोनों कंडीशन में इतना ही डिफरेंस है, जैसे लॉसी तो है ही और स्टब है, बट एक आपका ओपन है और एक आपका शॉर्टेड है, और दोनों में लेंथ आपका 1/32 आपका लैम्डा है। ओके, ये यहाँ पे वो है, तो शॉर्टेड वाला जो था वहाँ पे क्या था कि आपका एक इंडक्टर था और एक आपका रजिस्टर था और दोनों लो वैल्यू के थे। ओके, लो वैल्यू के थे। अब ये ओपन वाला केस हमारा यहाँ है, ये ओपन वाला केस है, यहाँ पे आंसर क्या है, अ स्मॉल कैपेसिटर इन शंट विद अ लार्ज रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या है ओपन वाले के लिए अगर देखा जाए, तो पहले मैं इसको हटा दूँ। ओके, ओपन वाले के लिए अगर देखा जाए, ओपन के लिए, तो ये आपका क्या बना रहा है, एक तो आपका कैपेसिटर है और एक इंडक्टर रजिस्टर है। अभी रजिस्टर की वैल्यू लार्ज है और कैपेसिटर की वैल्यू आपकी लो है, तो ये कुछ इसी तरीके का है इक्विवेलेंट, बट यहाँ पे जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे हमारी, सॉरी, रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे हमारी लार्ज हो गई है जब हमने ओपन वाला केस लिया। तो इन दोनों क्वेश्चन को दिमाग में एक साथ रख के देखना है कि 1/32 है, लॉसी है, स्टब है, बट दो केसेस है, एक ओपन है लॉसी ओपन स्टब, एक लॉसी शॉर्टेड स्टब। तो शॉर्टेड में तो आपका एल है इंडक्टर और आपका रजिस्टर है, दोनों लो वैल्यू के, और आपका यहाँ उल्टा हो जाएगा ओपन, ओपन में, ओपन में आपका एक कैपेसिटर होगा लो वैल्यू का, स्मॉल कैपेसिटर, बट स्मॉल का मतलब वही लो वैल्यू और लार्ज रजिस्टर, ये दोनों अलग अलग केस हो गए। तो ये कैपेसिटर वाला केस आपका कब का है, ये आपका ओपन का है, कैपेसिटर वाला केस। ओके, ओपन का है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233 पे, अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 50 ओम कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस लिमिटेड बाय ए लोड इंपेडेंस ऑफ 50 माइनस जे 50। तो सेम रो निकालेंगे, तो जेड एल माइनस जेड नॉट, तो ये आपका 50 j 50 j कर कर आके ये आपका ऐसे आ जाएगा, -50j/100 -50j। अब इसमें से 50 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका -j/2 -j आ गया। अब इसमें से आप रो निकालो, ओके, -j/2 -j में से आप अगर रो निकालोगे, तो ये आपका 1/√5 आ जाएगा। ओके, इसका आप ले लो माइनस जे का, अगर आप क्या लोगे मैग्नीट्यूड, तो रियल पार्ट इसका 0 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है, और उसका स्क्वायर, तो ये 1 ही दे देगा, तो ऊपर तो 1 आ गया, और नीचे 2 - j का अगर आप यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो √2 2 + -1 2, तो ये √5, तो केवल 1/√5 बचा। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ PSWR नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपसे पूछा था, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर नहीं होगा। तो ये निकालना इस तरीके का आपको याद रहना चाहिए, इसमें ऊपर नेगेटिव होता है, VSWR में नीचे नेगेटिव होता है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 235 कि VSWR ऑफ प्योरली रजिस्टिव लोड ऑफ नॉर्मलाइज वैल्यू, ठीक है, रजिस्टिव लोड है प्योरली और उसकी नॉर्मलाइज वैल्यू n+j0 है फॉर n<1>, एन आपका छोटा है 1 से, तो n+j0 है, तो VSWR 1+ρ/1-ρ, इसमें नेगेटिव नीचे है, रो ZL-ZO, या इसमें नेगेटिव ऊपर है, ठीक है, ZL जो है वो n+jω है। तो इसमें हमने क्या किया कि जब इनको साथ साथ आप रख लेते हो, तो ये हमने पहले भी देखा है कि ZO/ZL के इक्वल आ जाता है आपका VSWR। ओके, इसमें क्या है, मैक्सिमम ऑफ ZL/ZO/min(ZL, ZO)। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे, तो इसमें कि मैक्सिमम ऑफ ZL/ZO में क्या वैल्यू है, ऊपर 1 है अगर मैक्सिमम देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आप देखो n+j0 में आपका जो n है वो 1 से छोटा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, और नीचे क्योंकि n छोटा है तो हमारा n ही आ गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो 1/n आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन था, ISR 2014 का था, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी VSWR की प्योरली रजिस्टिव लोड की, तो वो आपकी वैल्यू आ गई 1/n। ओके, जिसमें n+j0 दिया, तो ये याद रखेंगे n+j0 वाला 1/n। फिर बात करते हैं 236 की, कि अ बैंड पास सिग्नल ऑक्यूपाइज अ बैंडविड्थ ऑफ 390 किलोहर्ट्ज एंड 2410 किलोहर्ट्ज, मतलब एक बैंड में उसने बैंडविड्थ ली हुई है, मतलब 390 से शुरू होकर 410 तक आ गया है, ठीक है, बैंडविड्थ है आपका 390 से 410।
वॉट मिनिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी वुड यू यूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो ऑप्शन है उसमें से मिनिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आप कितनी यूज करोगे, सो टू अवॉइड एलियाजिंग, एलियाजिंग मतलब वही ओवरलैपिंग ये सब है, ठीक है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए आपको इसको नेगलेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या आप यूज़ करोगे मिनिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। ओके, तो बैंडविथ हम निकाल लेंगे ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, तो 410 माइनस ये कितना देगा 20 दे देगा, 20 किलो वाट्स, ये तो ईजी पार्ट था। अब यहाँ पे निकालेंगे डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एल। ओके, जिससे हम ये जो एम एक पूर्ण संख्या है इंटीजर की वैल्यू निकालते हैं कि डब्ल्यू एच जो हाई फ्रिक्वेंसी है इस बैंड जो बैंडविथ है इसके टर्म्स में कितनी है, तो 410 अपॉन 20, तो ये हमें कितनी देगा, एक पूर्ण संख्या हमें मिलनी चाहिए, m की वैल्यू 20 या उससे कम होगी, है ना। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, m से अगर बड़ा आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से 0 क्या 20 से ज़्यादा आ रही है, 20.5 आ रही है, ये क्या आ रहा है 20.5 ग्रेटर देन इक्वल टू m। इससे हम क्या कह सकते हैं कि m इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, मतलब 20.5 को राउंड में 20 बोल दिया, तो m जो है वो या तो 20 होगा या 20 से कम होगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको समझने का है कि जो ये आपसे सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी पूछी है मिनिमम डब्ल्यू एस, तो वो किसी तरीके से होती है कि 2 इंटू हाई अपॉन एम। पहले तो आप एम को अलग निकालो, जो आपने 410 अपॉन 20 करके निकाला है, उसके बाद जैसे 410 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू हाई फ्रिक्वेंसी और अपॉन ये जो हमने निकाला है एम, तो ये आ गया आपका 410 अपॉन 2 और अपॉन 20, तो ये सॉल्व हो गया आपका, कितना देगा 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 41 हर्ट्ज आ गया। ओके, डायरेक्ट 41 किलो हर्ट्स आ गया, कुल मिला के जो 20.5 आया था इसका दुगना। अब यहाँ पे एग्जैक्ट यही आएगा, ठीक है, 40 किलो हर्ट्स गलत हो जाएगा, तो काफ़ी मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है, जैसे 820 और 800 तो बिल्कुल गलत है, 40 और 41 में से आपको 41 किलो हर्ट्स चूज़ करना है, यहाँ पे ये याद रखना है, पॉज करके देख लेंगे इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, 237 पहले देख लेंगे, 234 जो बच गया था हमारा, यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि द लॉस लेस क्वार्टर वेवलेंथ, ठीक है, इसको हटा देते हैं, बात क्या कर रहे हैं, लॉस लेस क्वार्टर वेवलेंथ लॉन्ग आरएफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस 50 ओम इज टर्मिनेटेड इन अ प्योर रेजिस्टिव लोड इंपेडेंस ऑफ 100 ओम, तो ZL और ZO की वैल्यू आपको देती है। ओके, अभी क्वार्टर वेवलेंथ वाली बात जो है यहाँ पे समझो, यहाँ पे L का मतलब है लैम्डा बाई 4, जो लेंथ क्वार्टर वेवलेंथ है लैम्डा बाई 4 है। ओके, तो ZN यहाँ पे अगर निकालेंगे, इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला यहाँ पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फार्मूला पहली बार आया है, इंपॉर्टेंट फार्मूला इनपुट इम्पिडेंस का, ZN का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ आपका ZO कॉमा ZL, ठीक है, इनके टर्म्स में है, तो ये कैसे होता है, ZO मल्टीप्लाई ZL प्लस ZO टेन बीटा L प्लस ZO प्लस, ठीक है, ZO इधर आ गया और यहाँ ZL उल्टा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इस तरीके से हो गया ZO इंटू ZL प्लस ZO टेन बीटा L और ZO प्लस ZL आपका 10 बीटा L, तो ये इस तरीके से आ गया। बीटा क्या है आपका 2 पाई बाई लेमडा होता है, ये बीटा है आपका 2 पाई बाई लेमडा, L क्या है आपका लेमडा बाई 4, तो बीटा कुल मिला के क्या हो गया आपका पाई बाई 2, बीटा इंटू L की अगर बात करें तो पाई बाई 2 और 10 पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो ये जो 10 बीटा इंटू L है ये हमने कहाँ से निकाला, हमें L पता होना चाहिए था इसके लिए, ये है बीटा ये है L, इनको कंबाइन करके पाई बाई 2 आ गया, और 10 पाई बाई 2 मतलब ये जो पूरा पार्ट है 10 बीटा L का ये आपका 1 आ गया इस क्वेश्चन में खासकर, तो आपका ZN क्या बचा, कुछ इस तरीके से बचा। अब इसमें हम वैल्यू लगा देंगे ZN और ZL और सबकी, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, सॉरी ये जो 10 पाई बाई 2 है पाई बाई 4 होता है 1 के इक्वल, 1045 है ना, पाई बाई 4 बोलेंगे, सही है, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 आपका 1 नहीं होगा, तो इसको हमें लेके कॉमन लेके चलना है, तो ये हमने क्या किया, ये 1090 आ गया, 10 पाई बाई 2 मतलब 1090 को कॉमन ले लिया, 50 तो बाहर था ही, तो ये 100 अपॉन 1090 और 50 अपॉन 1090, 1090 होता है आपका इन्फिनाइट, तो ये इन्फिनाइट ये वाले टर्म आपके जीरो हो गए, तो ये क्या बचा 50 और 1090 बाहर कट गया, हमें कुल मिला के क्या करना था, इस 1090 को रेसिप्रोकल में लेना था, हम इस 100 और 50 के नीचे ले सकते हैं इस 1090 को कॉमन लेके, तो ये आपका क्या बचा 50 × 50/100, तो ये बचा 50 × 50/100 25 ओम, 25 ओम आपका आंसर आ गया, तो ये भी ISRO का ही क्वेश्चन है, तो 25 ओम आपका फाइनल आंसर आ गया। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कितने सारे फार्मूले हैं, एक तो ये 10 बीटा L ही है और फिर बीटा का फार्मूला है, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा,
और बीटा इंटू एल हमें निकालना है, और एल उन्होंने दिया है लेमडा बाई फोर, तो ये लेमडा से लेमडा चला जाएगा, तो बीटा इंटू एल क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। फिर आपको सॉल्व करना है, फिर तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा। उसके बाद है 237 कि द नॉइज़ फिगर ऑफ अ डिवाइस इज टू, नॉइज़ फिगर टू, इफ द इनपुट एस एन आर इज 37 dB, व्हाट विद द आउटपुट एस एन आर। नॉइज़ फिगर आपको दिया है, नॉइज़ फिगर क्या होता है, एक तरीके से रेशियो होता है, 10 log base 10 एस एन आर, ठीक है, इनपुट अपन एस एन आर आउटपुट। तो एस एन आर की अगर बात करें आउटपुट की, तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका एस एन आर इनपुट माइनस 10 log ये बेस 10 करके हो जाएगा, और इसमें ये 2 आ जाएगा, 2 base 10, ठीक है, ये log 2 है, ये log 2 है, log 2 आपका होता है 0.3। ओके, अब इसमें 10 मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो यही हमने किया है कि जो 37 था, ठीक है, इस 37 से 3 को घटा दिया, मतलब कुल मिला के क्या है कि नॉइज़ फिगर ऑफ अ इनपुट डिवाइस 2 था, तो ये नॉइज़ फिगर ही आपका ये था, 10 log जो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो नॉइज़ फिगर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो कुल मिला के देखो ऐसे कह सकते हैं, ये जो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है फॉर्मूले में, हम कहेंगे नॉइज़ फिगर आपका कुछ इस तरीके से है, एस एन आर अपॉन एस एन आर। अब एस एन आर आपका आउटपुट और इनपुट, अब इसको आप ऊपर ले जाओ एस एन आर आउटपुट को, और इक्वल टू एस एन आर इनपुट और अपॉन। अब आपको बताइए लॉग लगा है दोनों पे, लॉग का मतलब क्या होता है कि आपका जो डिवीजन होता है वो सब्सट्रैक्शन हो जाता है, तो इसी वजह से ये जो डिवीजन था ये यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो गया कि एस एन आर इनपुट से हम 10 log इसको, और ये जो 2 है, असल में ये जो 2 है यहाँ पे, ये नॉइज़ फिगर की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि एस एन आर आउटपुट क्या होगा, एस एन आर इनपुट माइनस 10 log आपका नॉइज़ फिगर बेस 10। तो नॉइज़ फिगर उन्होंने दिया है और इनपुट दिया है, तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। ओके, तो ये जो 37 dB माइनस माइनस कर देंगे, और ये आपका log 2 बेस 10 क्या देगा, 0.3, उसमें 10 मल्टीप्लाई के 3, तो 34 आ गया, 37 - 3 34 dB। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 238 पे, सारे ये ISRO के क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 238। 238 में क्या कह रहा है आपका, इफ द रिफ्लेक्टेड वेव एट द लोड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज आपका 20 dB, रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रहा है, बिलो द इंसिडेंट वेव, ठीक है, 20 dB बिलो है इंसिडेंट वेव के, द SWR, ठीक है, स्टैंडिंग वेव रेशियो इन द लोड विल बी, तो SWR एट लोड का फॉर्मूला आपका ये है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी मतलब रेयर है, इस फॉर्मूले के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो 10 डेज टू रिफ्लेक्टिव वेव अपॉन 20 प्लस 1, ऐसे 10 डेज टू रिफ्लेक्टिव वेव अपॉन 20 माइनस 1, नीचे माइनस आएगा। ओके, जैसा BSWR में नीचे माइनस आता है उसी तरीके से कुछ। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 20 है रिफ्लेक्टेड वेव की 20 dB, 20/21 हो जाएगा, 10^1 + 1 और 10^1 - 1, 11/9 आपको क्या दे देगा, 1.22 dB। तो ये है, तो ये फॉर्मूला पूरा ऐसे करके लिखा हुआ, ये याद रखेंगे, SWR एट लोड 10^ में रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन 20 + 1 अपॉन 10^ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन 20 - 1। उसके बाद क्वेश्चन 241, इन टू वायर ट्रांसमिशन लाइन टू कॉन्जिक्यूटिव वोल्टेज मिनिमा आर फाउंड 20.6 cm एंड 25.6 cm, ठीक है, तो वोल्टेज मिनिमा अलग अलग, एक ये है, एक दोनों मिनिमा है, हमें मिले, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। ओके, तो लैम्डा बाई टू यहाँ पे क्या दिया है, ये जो दिया है इन टू वायर ट्रांसमिशन द टू कॉन्जिक्यूटिव वोल्टेज मिनिमा, तो इनका डिफरेंस किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाई टू के इक्वल, ये हमें याद रखना है कि इनका डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई टू के इक्वल है, इनका डिफरेंस 5 cm, तो लैम्डा आ गया 10 cm। अब आपको लैम्डा पता चल गया, अब तो आप एफ निकाल ही सकते हैं सी बाई लैम्डा से, तो ये आपका इतना आ गया 3 GHz। ओके, तो 3 GHz निकालना आसान था, बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था कि आपका ये जो इनका डिफरेंस है वोल्टेज मिनिमा का, ये लैम्डा बाई टू के इक्वल है, या फिर बोले तो लैम्डा इज इक्वल टू टू टाइम्स और इनका जो डिफरेंस है, तो लैम्डा बाई टू के इक्वल हो गया, या फिर लैम्डा टू टाइम्स हो गया, कुल मिला के लैम्डा बाई टू लिखो ही मत, लैम्डा इज इक्वल टू टू टाइम्स इनके डिफरेंस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं 240 कि VSWR फॉर माइक्रोवेव यूनिट इज 1.5 द रिटर्न लॉस इज, तो VSWR और रिटर्न लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे है, तो VSWR अगर ये है तो रिटर्न लॉस कैसा होगा, पहले तो टाउ निकालते हैं आपका, क्या होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो 1.5 मतलब VSWR माइनस 1 अपन VSWR प्लस 1, इसमें माइनस ऊपर हो जाएगा, और VSWR जब निकालेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के टर्म्स में तो उसमें माइनस नीचे आएगा, तो 0.2 आ जाएगा, तो 0.2, तो यहाँ पे जो लॉस है आपका रिटर्न लॉस है वो -20 log, और है आपका पी ए जो 0.2 है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो -20 log रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो ये आपको यहाँ से लगभग 14 dB आ जाएगा सॉल्व होके,
तो -20 इंटू लॉग रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, तो ये आ गया आपका 14 dB लगभग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 239 कि हायर फ्रीक्वेंसी फॉर विच अ सर्कुलर कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन हैविंग आउटर डायमीटर इतना है, इनर डायमीटर इतना है, कैन बी ऑपरेटेड इन प्योर TEM मोड। ओके, तो कोएक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं जिसको प्योर TEM मोड में हम ऑपरेट करा सकते हैं। अज्यूमिंग फ्री स्पेस मीडियम बिटवीन द टू कंडक्टर शुड बी लेस देन, तो जो फ्री स्पेस मीडियम की बात करी है तो वो लेस देन होना चाहिए किससे, ये हमें बताना है। ओके, फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, एफ इक्वल टू 1/π और रूट म्यू इंटू ई, और ये डी और डी जो अलग अलग आपके डायमेंशंस हैं आपकी इनर आउटर वाली जो भी हैं, अपॉन टू। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ लगाई हैं, एप्सिलॉन को हमने 1 कर दिया है, तो इसमें हमने क्या कर दिया है, ये 1/π को 22/7, ये आपको कैपिटली 1.3 इस तरीके से 3.1 ये ऊपर दिया है। ओके, ये दिया है 3.1 mm और 1.3 mm, तो इनका सम प्लस इनका 2 से डिवाइड, और फिर क्या है रूट के अंदर आपका ये म्यू ई है, तो ये 4π है, 4π न्यूटन की पावर -7, ये म्यू की वैल्यू रखती और ई जो है वो 1 है। ओके, ये 1 है, यहाँ पे ई की वैल्यू इसमें दी तो नहीं है बट हमें 1 लगानी है। तो ये जो म्यू ई है इसको देखते हैं, जो म्यू ई है म्यू की जगह हमने क्या रख दिया 4π × 10⁻⁷ और ई की जगह हमने रख दिया 1, तो इसका रूट लेना है, इस म्यू का रूट लेना है, तो यही हमने यहाँ पर रूट लिया है। तो ये सॉल्व हो गया आपका, सब कुछ सॉल्व हो गया 21/22 और × 22, ये कुछ इस तरीके से आ गया, तो ये 10⁻½ आपका 12 दिखा रहा है। ओके, × 10⁻½ है ये, तो ये सॉल्व हो गया 43.4 आपका गीगाहर्ट्ज़ आ गया सॉल्व हो गया। तो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है मेरे हिसाब से, तो इसको इग्नोर कर देंगे, ज़्यादा दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए, तो ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, ISR में पूछे तो नॉर्मली ऐसा नहीं पूछेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला पॉज करके देख लेंगे, एफ इक्वल टू 1/π d + d/2 रूट म्यू ई, म्यू आपका 4π × 10⁻⁷, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है 242, ये भी ISR का क्वेश्चन है कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट पैरामीटर्स ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर मीटर, तो इंडक्टेंस पर मीटर 625 नैनो हेनरी पर मीटर हो गया और कैपेसिटेंस आपका 64 पीको फेरेड पर मीटर हो गया रेस्पेक्टिवली। द फेज कॉन्स्टेंट ऑफ द लाइन एट 100 MHz में फेज कॉन्स्टेंट पूछा है, तो बीटा इज ω/Vp, ओमेगा क्या है 2πf इस तरीके से √LC, तो Vp आपका क्या हो गया 1/√LC, ये Vp को इधर भेज दिया, इससे क्या निकला Vp इज 1/√LC, तो बीटा क्या निकला आपका ω/Vp की। अच्छा, हमने अलग से वैल्यू लिखी है Vp की, कि Vp आपका 1/√LC के इक्वल हमने लिया है खुद, तो ω/this या फिर कहें तो ω/LC फाइनली। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि बीटा इज इक्वल टू ω/LC। अब यहाँ पे L हमें पता है, C पता है और आपको ओमेगा पता है, ओमेगा क्वेश्चन में दिया 100 MHz। ओके, तो आपको क्या है ओमेगा पता है, मतलब ओमेगा मतलब 2πf, F आपको पता है, ओमेगा क्या होता है 2πf, उसमें से F पता है, तो 2π तो एक कॉन्स्टेंट है, वो तो आप खुद ही लिख देंगे, तो 2π × f × √L × C, तो ये ω/√LC आपका पूरा फॉर्मूला आया बीटा का, ये सॉल्व हो गया आपका 3.97 रेडियन पर मीटर आ गया बीटा, तो बीटा का फॉर्मूला √LC और इनटू ये ओमेगा बाहर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 243 की, तो इसमें क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ λ/8 लॉसलेस 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड विद 25 ओम, तो एक λ/8 है ठीक है, लॉसलेस 50 ओम की ट्रांसमिशन लाइन है जिसको 25 ओम से टर्मिनेट किया है, तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था Zin हमें निकालना है, वो पूछ क्या रहा है। ओके, Zin ही पूछ रहा है, यहाँ पे गायब कर दिया आखिरी में, ये लिखा है इनपुट का प्रतिरोध आपका क्या होगा, इनपुट प्रतिरोध क्या होगा, तो इनपुट आपका इम्पिडेंस क्या होगा, तो Zin = ZL + ZO tan βl और Zn - ZO tan βl, सॉरी ये हाँ दोनों ही प्लस हैं बट यहाँ ZL है और यही चीज़ वहाँ पे थी, ये ZO है, तो ZL + ZO tan βl और इसी तरीके से ZO + ZL tan βl, अपोजिट है। ओके, इसमें ZO से मल्टीप्लाई है ऊपर, इसमें ZL से मल्टीप्लाई है, तो L हमें दे दिया λ/8, बीटा होता है 2π/λ, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या दे देगा आपको, बीटा और इनटू L क्या दे देगा 2π/λ, ये फिक्स होता है इस पर, ये λ/8 है, तो ये आपको क्या दे देगा π/4 दे देगा, और tan π/4 क्या होता है 1, ठीक है, tan π/4 आपका होता है 1, तो ये केवल ये हट गया पूरा, ठीक है।
ठीक है 10, तो केवल ये बचा 50 × 25 + 50 और 50 + 25, तो ये भी कट गया। जब यहाँ 1 1 आ गया तो ये भी कट गया, तो 50 ही आ गया आपका। तो ZN किसके इक्वल आ गया, ZO के इक्वल आ गया इस केस में, ठीक है। इस केस में ZN ZO के इक्वल आ गया, ZO शुरू में दिया था आपको 50, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला देखो, सेकंड क्वेश्चन आया इस फॉर्मूले पे, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा है SWR डायरेक्ट, तो SWR के लिए सीधे से ZO और ZL, ZO अपॉन ZL लगा देंगे। तो ये 300 और 200 दिया है, डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड वेव रेशियो निकाल लो, तो 300 अपॉन 200 आपका 1.5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड एट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ट्रांसमिशन लाइन को उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पर टर्मिनेट किया है, इसका मतलब ZL इज इक्वल टू Z0। ओके, तो यहाँ पे ये सीधे से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ZL माइनस, इसमें माइनस ऊपर होता है और VSWR निकालते वक्त उसमें माइनस नीचे होता है, तो ZL माइनस ZO और अपॉन ZL प्लस ZO, तो ये आपको 0 हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को नहीं करते, 246 छोड़ते हैं, 247 पे आते हैं, ठीक है 247, ठीक है 247 देखते हैं। इसमें क्या है कि 50 ओम लॉसलेस लाइन की बात हो रहा है, कनेक्ट सिग्नल ऑफ 200 किलोहर्ट्ज़ टू अ लोड ऑफ, ठीक है 50 ओम की लाइन है और उसको हमने लोड किससे कनेक्ट किया है, लोड है आपका 200 ओम का और 200 किलोहर्ट्ज़ का उसका फ्रीक्वेंसी है, द लोड पावर इज 100 मिलीवाट, और लोड पावर भी दे दिया 100 मिलीवाट, वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिनिमम हमसे पूछा है। ओके, ये सारी चीज़ें दी हैं, तो PL क्या हो गया, वी वोल्टेज मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन ZL। ओके, तो ये पावर की बात हमने कर दी, ठीक है, जहाँ हमारा पावर इज इक्वल टू आपका वी स्क्वायर बाई आर होता है उस फॉर्मूले से। ओके, वी स्क्वायर मैक्स कर निकालें तो PL इंटू ZL आ गया, तो इससे वी मैक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट PL जो हमें दिया है पावर, और ZL लोड का हमें दिया है, ये जो 200 ओम और ये 100 मिली वॉट जो दिया है इसी को यूज़ किया, ठीक है 100 मिली वॉट और 200 ओम, ये आ गया रूट 20। वी मैक्स तो आ गया, अब वी मिन हमें निकालना है, वी मैक्स अपॉन वी इन आपका होता है डायरेक्ट, वी एस डब्ल्यू आर का फॉर्मूला है वी मैक्स अपॉन वी इन, तो अब हमें वी मैक्स पता है, वी एस डब्ल्यू आर अगर हम निकाल लें तो हम वी मिन निकाल सकते हैं, है ना, तो वी एस डब्ल्यू आर के लिए जेड एल अपॉन जेड ओ अभी इधर हमने देखा था, जो एस डब्ल्यू आर के लिए वही वी एस डब्ल्यू आर के लिए सेम। ओके, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ये केवल स्टैंडिंग वेव रेशियो है, अगर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की अगर बात करें वी एस डब्ल्यू आर, तो यहाँ पे जेड एल ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे जेड ओ ऊपर है, ये एक डिफरेंस है, बाकी चीज़ सेम है। ओके, ये एक डिफरेंस है, तो जेड एल आपका 200 जो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है और जेड ओ आपका 500 दिया, तो 4 आ गया, तो ये 4 के इक्वल आ गया, तो ये जो रेशियो है वी मैक्स और वी इन का, ये 4 के इक्वल है, तो इससे क्या कह सकते हैं कि वी मिन इज वी मैक्स अपॉन 4, तो रूट 20/4 आ गया वी मिन, तो यही आपका आंसर है रूट 20/4। ओके, यही आंसर है आपको रूट 20/4। तो इसमें क्या है, वी एस डब्ल्यू आर का फॉर्मूला अगर आपने देखा तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि यहाँ पे ये जेड ओ अपॉन जेड एल है और ये आपका जेड एल अपॉन जेड ओ है, ठीक है जेड एल अपॉन जेड ओ है, ये याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 248 देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाई। ओके, तो ये डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन है, फैक्ट एक बोल सकते हैं, फार्मूला बोल सकते हैं। ओके, यहाँ डायरेक्ट आपका आंसर है कि एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें तो उसका लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस आपका क्या होगा, तो जेड इज रूट एल बाई सी, डायरेक्ट आपको देना है कि जेड इज आपका रूट एल बाई सी होगा आपका डायरेक्ट। ओके, ये हो गया रूट एल बाई सी, और ये किसकी बात हो रही है, लॉसलेस की, तो इसको याद रखेंगे लॉसलेस से, लॉसलेस का कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस आपका जेड इज इक्वल टू रूट एल बाई सी। उसके बाद आते हैं फॉर अ कॉन्स्टेंट की हाई पास फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस, ठीक है कॉन्स्टेंट की बात कर रहा है हाई पास फिल्टर की, ये भी एक फैक्ट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस जेड ओ फॉर एफ इज लेस देन एफ सी कैसा होगा आपका, ये जेड ओ कैसा होना चाहिए, इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये याद रखें हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर पाई फिल्टर। ओके, तो उस करेक्टर इंपिडेंस जो है आपका वो इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं वी एस डब्ल्यू आर की यहाँ पे। ओके, तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय, तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है वी एस डब्ल्यू आर आपका, तो मैंने बार बार चीज़ें रिपीट करी हैं कि इसमें ऊपर प्लस होता है और आपका जब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं जेड एल और जेड एल ओ के टर्म्स में, वहाँ ऊपर माइनस होता है, यहाँ नीचे माइनस होगा, तो आपका ये फार्मूला करेक्ट हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं वी एस डब्ल्यू आर फॉर एन आइडियल एंटीना, तो आइडियल केस की बात हो रही है, देखो आइडियल केस के लिए कुछ ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो जीरो या इन्फिनाइट या वन, ठीक है यूनिटी जीरो वन, सॉरी यूनिटी जीरो और इन्फिनाइट, आइडियल केसेस की नॉर्मल यही वैल्यूज होती हैं, तो
यहाँ पे जीरो हो सकता है, वाई जेड नहीं हो सकता, तो आपका वन हो गया। तो वी एस डब्ल्यू आर अगर आइडियल एंटीना की बात करें तो उसकी वैल्यू वन होती है, और ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, तो वी एस डब्ल्यू आर फॉर एन आइडियल एंटीना इज वन। उसके बाद आपका आता है 251 कि इफ अ लाइन इज टर्मिनेटेड इन एन ओपन सर्किट द वी एस डब्ल्यू आर, अगर वो एक ओपन सर्किट में लाइन को टर्मिनेट किया, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, है ना, तो ओपन सर्किट में टर्मिनेट किया तो वहाँ पे हमारा क्या होगा वी एस डब्ल्यू आर। अब यहाँ पे क्या हो गया, एस जो निकाल रहे हैं इसका टू वन प्लस रो अपन वन माइनस रो, रो आपका ओपन सर्किट में वन हो गया, ठीक है। रो क्या है, जेड एल माइनस जेड ओ अपॉन जेड एल प्लस जेड ओ, ये रो है और इसका भी मैग्नीट्यूड, और इसको ओपन सर्किट के लिए निकाल रहे हैं तो जेड एल आपका क्या है ओपन सर्किट के लिए इन्फिनाइट है, तो इसमें क्या करेंगे जेड एल को कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे, और ये क्या हो जाएगा वन माइनस जेड ओ अपॉन जेड एल, और नीचे वन प्लस जेड ओ अपॉन जेड एल, कुछ इस तरीके से। तो जेड एल से जेड एल क्या, और ये वन जेड ओ अपॉन जेड एल क्या दे देगा आपको जेड ओ अपॉन इन्फिनिटी, जो कि जीरो दे देगा, तो बस ये सीधे से वन आ जाएगा। मतलब अगर जेड एल आपका इन्फिनिटी है, मतलब ओपन सर्किट है, आप सॉल्व करके देख लो, तो ये आपका वन आ गया, जब ये वन आ गया तो ये भी वन माइनस वन अपन वन माइनस वन, तो ये टू अपॉन जीरो, तो आपका ये स्टैंडिंग वेव रेशियो या फिर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो आपका इन्फिनाइट हो गया। तो अगर यहाँ पे कुल मिला के ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर जेड एल इन्फिनिटी है तो ये वी एस डब्ल्यू आर भी आपका इन्फिनिटी ही होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि इन ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड बाई करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड ओ, अगर एक ट्रांसमिशन लाइन को जेड ओ से टर्मिनेट करते हैं, इसको हमेशा याद रखना इस पॉइंट को, तो वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा इंसिडेंट वेव का, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल टर्म में अगर इसको बोला जाए तो कुछ ऐसे बोलेंगे कि अगर आप जेड ओ से उसको करते हो, ओके, जेड ओ से टर्मिनेट करते हो, तो जेड ओ से टर्मिनेट करने का मतलब कि अब जो जेड एल आपका हुआ करता था वही आपका जेड ओ बन गया है। ओके, तो वहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर आप निकाल के देखना चाहें तो ये मॉड ऑफ रो आपका जेड एल माइनस जेड ओ, तो ये ऊपर ही जीरो दे देगा, और नीचे तो फिर क्या दे देगा जेड एल प्लस जेड ओ, तो जीरो अपॉन, तो वो जीरो ही दे देगा। तो जब जीरो आ रहा है इसका मतलब सीधे से आंसर है कि नो रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जीरो है तो इसका मतलब नो रिफ्लेक्शन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसका ये आंसर दिया है यहाँ पर, रो आपका आखिरी में जीरो ही आ गया, ठीक है। ये सेम चीज़ है जो मैंने बताई, जेड सी माइनस जेड सी जीरो कर गया। ओके, वी एस डब्ल्यू आर फॉर आइडियल एंटीना वन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 254 द स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल टू यूनिटी इंप्लाइज दैट, अगर आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल टू यूनिटी है, इसका क्या मतलब है, स्टैंडिंग वेव रेशियो में जेड ऊपर होता था। ओके, ये चीज़ हमने डिस्कस करी है, और एक क्वेश्चन था जिसमें इधर वी एस डब्ल्यू आर था, जिसमें हमने देखा था कि वी एस डब्ल्यू आर में जेड एल ऊपर है और स्टैंडिंग वेव रेशियो में जेड ओ ऊपर है। तो ये यहाँ पे बात हमने करी थी कि इन दोनों में देखो डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखेंगे। तो वी एस डब्ल्यू आर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, सॉरी एस डब्ल्यू आर की बात हो रही है, कि एस डब्ल्यू आर आपका यूनिटी है, इसका क्या मतलब है, ये यूनिटी कब हो सकता है, केवल और केवल जब जेड ओ जेड एल एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ओके, तो ये यूनिटी हो जाएगा, तो कब होगा, जेड ओ इक्वल टू जेड एल पे। तो इसका क्या मतलब है, द ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज इक्वल टू लोड इम्पिडेंस, तो जब ऐसा होगा तभी आपका ये यूनिटी हो सकता है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर कि इफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड विद अ रेजिस्टेंस इक्वल टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, अगर एक ट्रांसमिशन लाइन को आप टर्मिनेट करते हो, एक देखो टर्मिनेटिंग वाला रेजिस्टेंस होता है जेड एल लोड, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कहलाता है। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो जो क्या होगा हमारा स्टैंडिंग वेव रेशियो कैसा होगा, हमारा मिनिमम होगा। अब ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी, स्टैंडिंग वेव रेशियो हमारा वन से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, ये चीज़ ऊपर देखी थी रेंज, है ना, तो वन उसकी क्या मिनिमम वैल्यू है, और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके ही जस्ट ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था 254 में कि अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका यूनिटी आ जाता है स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो फिर ये मिनिमम हो गया, मतलब यूनिटी इज मिनिमम इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 256 पे, तो इस क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट देखते हैं कि जो बीटा है आपका, बीटा इज 2π/λ और इनटू आपका जो फेज डिफरेंस होता है उसके इक्वल है। ओके, 150, तो अब ये मतलब ये फेज डिफरेंस है, सॉरी बीटा इज द फेज डिफरेंस, 2π/λ इनटू 150। कैसे, अ सिग्नल सोर्स विद 100 मीटर वेवलेंथ इज कनेक्टेड टू इनपुट टर्मिनल्स एट 150 मीटर लॉन्ग, तो ये जो लेंथ है इसकी वो इधर मल्टीप्लाई होगी, 150 मल्टीप्लाई होगा और वेवलेंथ से डिवाइड होगा, तो ये 2π/100 इनटू 150, तो ये क्या दे देगा, 3π दे देगा सीधे से। तो ये जो बीटा का फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है, बीटा इज आपका 2π/λ इंटू एल, ओके, इंटू एल, ये आपका बीटा का फॉर्मूला हो गया, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है।
अब क्योंकि वो फेज डिफरेंस पूछ रहा था, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेजेस एट टू एंड्स ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इन स्टेडी स्टेट कंडीशन इज, तो ये फेज डिफरेंस आपका ऐसे निकाल दिया हमने 3 पाई, बीटा इज फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इन टू एल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 259, इसमें क्या कह रहा है, डिसएडवांटेज ऑफ अ सिंगल स्टब मैचिंग। तो ये क्वेश्चन इसी के मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, जहाँ हमने सिंगल स्टब मैचिंग का डिसएडवांटेज डिस्कस किया था ओवर डबल स्टब के संग, वहाँ पे कुछ और पॉइंट था, यहाँ कुछ और पॉइंट है कि एवरी लोड नीड्स अ न्यू स्टब पोजिशन। ओके, तो वहाँ पे हमने कहा था कि हमें जो उसकी पोजीशन होती है एडजस्टेबल बनानी पड़ती है सिंगल स्टब के लिए। यहाँ पे यह है कि एवरी जो लोड है सिंगल स्टब का उसके लिए एक नई पोजीशन हमको चाहिए, कुछ उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन है। तो ये सिंगल स्टब मैचिंग का डिसएडवांटेज है। अब और बाकी पॉइंट कहते हैं ओनली शंट स्टब शुड बी यूज, ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। फिर ओनली रेजिस्टिव लोड कैन बी मैच्ड, ऐसा भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। फिर ओनली यूजफुल ओनली इन टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, ऐसा भी नहीं। ये है कि हर लोड के लिए आपको न्यू स्टब पोजीशन चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 260 पे। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है और आपको एल और सी की वैल्यू दी है। ओके, साइनोसॉइडल सिग्नल 10 रेडियन पर सेकंड डाउन और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये सब कुछ आपको दिया है। वेलोसिटी आपसे पूछिए, बस वेलोसिटी का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू 1/√LC आपको यूज़ करना है। तो रूट में आपको एल और उसी में सी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका सॉल्व होकर कितना आ गया, ये आ गया 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v इज आपका 1/√LC। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है और इसको यूज करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पहले देखते हैं 261। यहाँ पे वही रिपीटेड क्वेश्चन है, अ लॉसलेस लाइन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस z नॉट इज टर्मिनेटेड विद लोड इंपेडेंस j z नॉट। तो इससे टर्मिनेट किया j z नॉट से, मतलब इसकी वैल्यू z नॉट है, बस इसमें j मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1+1 ठीक है और upon 1 - 1 दे देगा। इसका मैग्नीट्यूड तो जेड नॉट और इसका दोनों का बराबर ही है ना, इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है ना, भले इसमें जे है पर हम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये आपका ऐसा दे देगा। तो ये नीचे जीरो दे देगा, 2/0 आपका इन्फिनिटी दे देगा। तो इसका भी इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी। ओके, 261 की बात करी, आप सॉल्व करके देख लेंगे। ओके, तो ये इन्फिनिटी ही हो जाएगा आपका वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, पहले आपका 257 बच रहा है, ये भी ISRO का क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ अ 2-वायर ट्रांसमिशन लाइन है 10 kHz इज, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है 200 - j50 ohms और ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। लाइन इज टर्मिनेट विद कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस एंड 28.28 V पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक सिग्नल इज मेजर्ड एट इट इनपुट। लाइन को टर्मिनेट किया और इस वोल्टेज को मेजर किया है। डिटरमाइन द रियल पावर सप्लाइड बाय द सिग्नल सोर्स टू द लाइन, तो रियल पावर आपको बतानी है कितनी सप्लाई हुई है। ओके, तो इनपुट प्रतिबाधा, चूंकि जो बात इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जेड इन मतलब वही कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जेड ओ है, आई आपका क्या हो गया इनपुट साइड में, तो वी जो वोल्टेज है अपॉन जेड नॉट, तो ये तो आपका आई निकल आया। अब यहाँ पे पावर क्या हो गया, ये आपका वी एम आई एम दोनों आई मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करिए, वी एम आई एम अपॉन टू, मतलब आपका ये वैल्यू 40.4। अच्छा ये देखो यहाँ से क्या यूज़ करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये 28.28 क्या है आपका, ये पीक टू पीक वैल्यू है, मतलब कि अगर इस पीक पे गए और इस पीक पे गए तो पीक टू पीक वैल्यू है, मतलब एक पीक की वैल्यू कितनी है इसकी, आधी। अगर इसकी बात करें तो इसका आधा है, तो वही इसका आधा हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो ये वही हो गया कि 14.4 अपॉन टू और आई आपका क्या है वी फिर से। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आई एम है इसके लिए हमने V अपॉन ये जेड नॉट को यूज किया और जेड नॉट उन्होंने क्वेश्चन में दिया ये 200 - j50, ये हमने यूज किया है, ये माइनस है, ठीक है, गलती से प्लस है तो माइनस है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसका रूट ले लेना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो ये तो V स्क्वायर बन गया, ये 2 और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब 200 + j50 को हम इसको ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे जे को लेते हुए, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये 14.14 का स्क्वायर, ये 2 × √, ये 200 का स्क्वायर, ये 50 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो के आपका 0.485 आपका वोल्ट आ गया आंसर। ओके, ये आंसर आ गया आपका। तो ज़्यादा यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आपको ये फॉर्मूला लगाना था और इसमें आई एम आप कहाँ से लाओगे आपको ये देखना था, आई एम आप वी अपॉन जेड नॉट से लाओगे। ओके, तो यहाँ का वी है वो भी यही है और यहाँ का वी है वो भी यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 258। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ 50 ओम्स हैज टू डिलीवर 10 kW पावर एट 100 kHz सोर्स टू अ लोड, मतलब ये आपको किलोहर्ट्स आपको फ्रिक्वेंसी दी है, लोड को उसको इतनी पावर देनी है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस दिया, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ RMS करंट एनीवेयर अलोंग द लाइन इज 20 एम्पेयर,
और आरएमएस करंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको 20 एम्पीयर दिया है, व्हाट इज अ मैक्सिमम वीएसडब्ल्यूआर देन कैन बी टॉलरेटेड ऑन द लाइन। तो वीएसडब्ल्यूआर आपको बताना है मैक्सिमम, वीएसडब्ल्यूआर आपका जेड ओ अपॉन जेड इन ऐसा है। तो ये आपका पहले तो वोल्टेज निकालेंगे पी वाई आई, तो पी वाई आई इज वोल्टेज, तो पी आपका इतना दिया है और करंट भी आपकी 2 एम्पीयर दी थी, तो ये 500 वोल्ट आ गया। तो आपका पावर और आपका करंट को यूज़ करके हमने वोल्टेज निकाला 500 वोल्ट। अब जेड इन निकालेंगे तो वो आपका वी आपका आर एम एस अपन आई मैक्स, मतलब इनपुट साइड में जो वोल्टेज है जो हमने निकाला है और उसमें जो ये है करंट 20 एम्पीयर। ओके, और यहाँ पर ये दो नहीं 20 था, है ना, क्वेश्चन में 20 दिया है, देखते हैं ये क्वेश्चन है। हाँ 20 एम्पेयर है और ये 10 किलोवाट है। ओके ये तो ठीक है, 10 किलोवाट ये 20 है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा और ये आपका 1000 अपॉन 2 500 हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये 20 से करेंगे तो 25 ओम आया, मतलब 500 वोल्ट आया और 25 ओम आया। देखो ये कैलकुलेशन तो आपके लिए इजी है, नेटवर्क की बेसिक कैलकुलेशन है। जेड ओ आपको दिया है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 ओम, तो ऐसा आपका 50 अपॉन 25 करके आ जाएगा 2 डायरेक्ट, ठीक है 2 आ जाएगा। उसके बाद 259 हमने देख लिया, 260 देख लिया, 61 देख लिया। अब आते हैं 262 पे। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन लाइन है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जेड आर, ये जेड टी लिखा है, और बेरिंग लेंथ इन सीरीज विद लोड इंपेडेंस जेड एल अपीयर्स इन स्मिथ चार्ट। तो यहाँ पे स्मिथ चार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला हुआ है, स्मिथ चार्ट पे आपको कौन सा शेप बनेगा वो आपको बताना है। तो ये जेड टी और जेड एल आपको दे दिया है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का ये दिया है, तो स्मिथ चार्ट पर कैसा दिखेगा, ठीक है, अपीयर्स इन अ स्मिथ चार्ट ऑन, तो कॉन्स्टेंट बी एस डब्ल्यू आर सर्किल, तो जो कॉन्स्टेंट बी एस डब्ल्यू आर सर्किल का कॉन्सेप्ट है उसमें चार्ट के ऊपर वहाँ पे ये चीज़ हमें दिखेगी। ओके, जेड टी और जेड एल वाला जो क्वेश्चन है तो ये आपको कॉन्स्टेंट बी एस डब्ल्यू आर सर्किल पर दिखेगा स्मिथ चार्ट पे। उसके बाद इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूलेज देखते हैं केवल। ओके, एस डब्ल्यू आर का फार्मूला जेड ओ अपॉन जेड एल दोनों हमें दिए हैं, ठीक है, जेड ओ दिया है, जेड एल दिया है, जो चीज़ दी है उसी को हम यहाँ लिखेंगे, एल दिया है। ओके, तो ये आपका 1.2 आ गया, ठीक है, ये इसमें 1.2 आ गया आपका। उसके बाद जेड ओ आपका क्या है, रूट एल बाई सी, जो आपका इम्पिडेंस साइड में है, जैसे कि आर ये कहाँ से निकाला है, आर इजकल टू रूट एल बाई सी फार्मूला आपको याद होगा, तो वहाँ से निकाला है, तो जेड ओ इज रूट एल बाई सी, एल सी इजकल टू जेड स्क्वायर, सी इजकल टू एल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जेड ओ स्क्वायर। तो ये हमने डिराइव किया फार्मूला, तो हमें बस ये याद होगा, तो इससे सी निकाल सकते हैं, तो सी निकालेंगे, सी आपका इतना आ गया 96.4 पिको फेरेड पर मीटर, ये आपका सी आ गया। ओके, अब सी और आपका ये एस डब्ल्यू आर, वो क्वेश्चन ए और बी दोनों में सेम है। अब आपको वी पी निकालना है, तो वी पी जो फेज वेलोसिटी आपका रूट वन प्लस वन अपॉन रूट एल सी के इक्वल होती है, तो ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आपका फेज वेलोसिटी निकालना है, तो वन अपॉन रूट एल सी फेज वेलोसिटी अगर निकाल रहे हैं तो। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी एक यूज़ किया था जहाँ पे हमने एक वेलोसिटी निकालने के लिए वन ओवर रूट एल सी लिया था, है ना, ये याद रखेंगे। तो एल हमें पता चल गया, सी पता चल गया, तो इससे ये निकाल लेंगे, तो इससे ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ये 1.4 वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। ओके, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 263, यहाँ पे वी मैक्स दिया है, वी मिन दिया है, तो डायरेक्ट आपका वी एस डब्ल्यू आर वी मैक्स अपॉन वी मिन हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर 1.5 आ जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन में 30 और 20 दिया है इनको इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है 1.5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट अ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड इट्स इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। तो एक ट्रांसमिशन लाइन है उसके बारे में क्या करेक्ट है, जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पर टर्मिनेट होती है, उसके लिए द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इट नॉट इक्वल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क भी है। ओके, तो एक जो ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं जो कि अपने कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पर टर्मिनेट होती है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये तो देख ही लिया था, ये आते हैं इस क्वेश्चन पे, ब्रिस्टर एंगल वाला क्वेश्चन है ये। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 266, यहाँ पे ब्रिस्टर एंगल की हमने बात करी है, ब्रिस्टर एंगल पूछा है असल में। अ पैरेलल पोलराइज्ड वेव इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर इनटू पैराफिन, पैराफिन में एयर से पैराफिन में एक वेव को हमने इंसिडेंट करवाया, उसकी परमिटिविटी आपकी 3 है, रिलेटिव परमिटिविटी, द वैल्यू ऑफ ब्रिस्टर एंगल। तो ब्रिस्टर एंगल और रिलेटिव परमिटिविटी का डायरेक्ट फार्मूला आपको देखना है कि म्यू आर इज टैन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा आपका ब्रिस्टर एंगल है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया आपका,
आपका रूट म्यू आर और उसके ऊपर टेन इनवर्स। ओके, तो ये आपका क्या है थ्री, तो क्या हो गया टेन इनवर्स रूट थ्री, तो ये आपका क्या दे देगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल एंगल निकल के आ गया, डीएमआरसी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका थीटा इज टेन इनवर्स रूट म्यू आर, तो टेन इनवर्स आपका रूट थ्री आ गया, थीटा इज टेन इनवर्स रूट थ्री आ गया आपका। ओके, 266 हो गया। तो इसको फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, म्यू आर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, म्यू आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी है, थीटा आपका ब्रिस्टर एंगल है। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस सर्ज इम्पिडेंस भी कहलाता है। ओके, लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, ठीक है, वो ट्रांसमिशन लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जेड आपका रूट एल बाई सी के इक्वल है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ओके, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, 10 किलोमीटर लॉन्ग लाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ 400 ओम्स इफ अ लाइन लेंथ इज 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर अगर लाइन की लेंथ को कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या होगा, अब भी वो 400 ओम ही होगा। तो यहाँ पे मेन लॉजिक यही था कि ये लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल एल और सी की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। तो हमने बाकी सब कुछ तो सेम रखा, केवल एल और सी को मतलब सेम रखा और लाइन को लेंथ को चेंज कर दिया लाइन की, तो उससे चेंज नहीं आएगा, पहले 400 ओम है तो बाद में भी 400 ओम ही रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है 272 की द वेलोसिटी फैक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स ऑन, तो वेलोसिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, तो वी इज या फिर वी बाई सी इज 1/√k, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये वी बाई सी है आपका वेलोसिटी फैक्टर, तो 1/√k आपका रिलेटिव परमिटिविटी है डायलेक्ट्रिक की। तो बाकी जो ऑप्शन हैं, टेम्परेचर नहीं, स्किन इफेक्ट नहीं, और आपका नन ऑफ दीज नहीं, तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी पर डिपेंड करता है वेलोसिटी फैक्टर। ओके, फिर ये क्वेश्चन भी ईजी है 268, जेड ओ आपका रूट ऑफ जेड एस सी और जेड ओ सी, हमने सबसे शुरू में देखा था इसी लेक्चर के या प्रीवियस लेक्चर के, तो ये आपका इसके इक्वल होता है। तो डायरेक्ट वैल्यूज लगानी है आपको, वो आपको दिया गया है, फॉर ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किट ने शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेज आर इतना, तो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कितना होगा, √20 × 5 √100 और √110 आ जाएगा। तो ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आ गया करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाई, तो √L/C, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले, तो जेड इज इक्वल टू √L/C। उसके बाद आपका दो सौ उनहत्तर देखते हैं, अ क्वार्टर वेव लॉसलेस लाइन इज टर्मिनेटेड इन अ कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर पर उसको टर्मिनेट किया है, एक क्वार्टर वेव लॉसलेस लाइन को एक कैपेसिटर पर टर्मिनेट किया है। तो पूछ रहा है कि द इनपुट इम्पिडेंस विल बी, तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर टर्मिनेट कहाँ पे किया है, टर्मिनेट हमने किया है कैपेसिटर पे, ठीक है, टर्मिनेट, तो जेड इन आपका क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टिव होगा, मतलब कुल मिला के जेड एल आपका कैपेसिटिव है, तो जेड इन आपका उसका अपोजिट इंडक्टिव होगा, ये याद रखना है। उसके बाद ये भी सेम क्वेश्चन है ऊपर की, जेड सी आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है √ZOC + ZSC आपका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 50 दे देगा, ठीक है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि लॉसलेस लाइन ऑफ 271 में लॉसलेस लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जेड ओ इज टर्मिनेटेड इन प्योर रिएक्टेंस ऑफ -J ZO, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ने ऊपर देखा है कि जेड ओ को अगर J ZO से वो कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, या फिर -J ZO से, अब ये जो है और ये जो दोनों हैं, इन तीनों का क्या है कि मैग्नीट्यूड आपका सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे ये आपका इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा, ठीक है, हमने ऊपर भी सॉल्व किया है कि जो आपका VSWR है इस केस में, अगर ये जो आपका इनपुट है साइड है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है उसी से ही उसी के सेम मैग्नीट्यूड से उसको टर्मिनेट किया है, तो ये आपको इन्फिनाइट वैल्यू देगा। बाकी हम सॉल्व करके देख लेंगे, और हमने देखा ही हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 274, अ लॉसलेस लाइन ऑफ 50 ओम इज टर्मिनेटेड इन अ लोड ऑफ 100 ओम रेजिस्टिव, तो 50 ओम को 100 ओम से टर्मिनेट किया है, तो पहले हम निकालेंगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो ZL माइनस और ZL प्लस, तो ये आपका दे देगा 50/150 1/3, तो VSWR आपका 1+ tau, इसमें प्लस ऊपर है इसमें नीचे है, तो 1+ tau / 1-tau, तो 1+1/3, और इस तरीके सॉल्व करके 2:1 आ गया। तो ये आपका डायरेक्ट आ गया, इसमें दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का और आपका VSWR का। उसके बाद ये क्वेश्चन भी 275 भी इजी है डायरेक्ट, कि ZO आपका √ZOC और ZSC, ठीक है, 20/5 रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2006 में आया है, और ये जो सेम क्वेश्चन था ये वाला, ये भी ये 2016 में आपका DMRC में पूछा था, दोनों सेम क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट का ही चल रहा है। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 278, एज एनर्जी लेवल हैज GF = 10, इट्स एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम कितना होगा, तो
तो अगर एनर्जी लेवल को जीएफ में दिया है तो उसका एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम उसका स्क्वायर के इक्वल होता है, ये याद रखेंगे ठीक है। एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम उसके ये लिखा है स्क्वायर के इक्वल होता है, तो जीएफ के स्क्वायर के इक्वल होता है जीएफ एफ के, तो ये आपका 10 है तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ओके। तो ये आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम की अगर बात कर रहे हैं ठीक है, एनर्जी सिग्नल का जितना वैल्यू दिया उसका एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम उसका स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अ क्वार्टर वेव लाइन ओपन सर्किटेड एट फार एंड बिहेव वेल, एक क्वार्टर वेव लाइन को अगर फार एंड पे ओपन सर्किट किया है ओके, तो कैसे बिहेव करेगा वो, एक एल एन सी सीरीज की तरह बिहेव करेगा ठीक है। तो सीरीज एल सी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये याद रखेंगे। अगर एक क्वार्टर वेव लाइन को एक फार एंड पे आपने टर्मिनेट किया है तो ओपन सर्किट किया है, सॉरी ये लिखा हुआ है ओपन सर्किट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं 276 की, द इनपुट इम्पिडेंस फॉर शॉर्ट सर्किटेड लाइन ऑफ अ लेंथ, एक लाइन है जो कि शॉर्ट सर्किटेड है जिसकी लेंथ एल है और एल आपका इनके बीच में है ठीक है, लैम्डा बाई टू से लेके लैम्डा बाई फोर के बीच में है, तो ये कैसा होगा, इसका इनपुट इम्पिडेंस कैसा होगा, ये कैपेसिटिव नेचर का होगा, ये याद रखना है हमें ओके। तो ये शॉर्ट सर्किट वाले केस की बात करी जा रही है, शॉर्ट सर्किट अगर किया है तो ये आपका कैपेसिटिव नेचर का होगा ओके। तो चलो ये हो गया। उसके बाद इसमें क्योंकि कैपेसिटिव नेचर का है तो इसमें क्या बोला है कि करंट वोल्टेज से लीड करता है, तो ऑब्वियस ही बात है आप सबको पता है ट्रांजिएंट के कॉन्सेप्ट से कि कैपेसिटिव मतलब एसी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से कि कैपेसिटेंस के लिए आपका करंट लीड करता है और आपका इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करता है ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन तो देख लिए हैं 9 पे, अ लॉसलेस लाइन ऑफ 50 ओम इज टर्मिनेटेड इन अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 100 ओम, तो 50 ओम को 100 ओम में टर्मिनेट किया तो VSWR डायरेक्ट आपका जो ZO अपॉन ZL तो 2:1 आ जाएगा ओके डायरेक्ट ठीक है, 100 अपॉन 50 2:1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, पहले देख लेते हैं 281, फाइंड द SWR ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विद विद कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस 50 ओम, SWR निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस दिया है 50 ओम मतलब ये आपका ZO दिया है और ये आपका ZL दिया है 100 ओम, तो यहाँ पे SWR आपका ZL अपॉन ZO हो जाएगा ठीक है, ZL अपॉन ZO और VSWR आपका क्या हो जाएगा ZO अपॉन ZL। अच्छा ये VSWR की दो फॉर्मूले बनते हैं, कब बनते हैं, यहाँ पे अगर ZL बड़ा है तो वो ऊपर, ZO बड़ा है तो वो ऊपर, मतलब कुल मिला के दिमाग में याद रखेंगे कि जो दोनों में से जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे 100 बड़ा है तो 100 अपॉन 50 हमेशा बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, UPPCL का क्वेश्चन है ये, तो आपका 100 अपॉन 50 क्या दे देगा 2 दे देगा ओके, तो इसने 2 वैल्यू दे दी। अभी क्वेश्चन देखते हैं 282, ये भी UPPCL AE का क्वेश्चन है 2016 का, कि कम्युनिकेशन चैनल है विद एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज ऑपरेटिंग एट अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR ग्रेटर देन 1, SNR आपका 1 से काफ़ी बड़ा है एंड द बैंडविड्थ बी हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ C1, इफ अगर SNR को डबल कर दिया है ओके तो यहाँ पे क्या होगा वो हमें बताना है। तो चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, सी क्या होता है आपका बैंडविड्थ इंटू लॉग ऑफ आपका ठीक है बेस टू SNR प्लस 1, ये कुछ ऐसा होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो प्लस 1 होता है ओके। तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका B तो सेम है, अब इसी को अगर आप क्या करो C2 से कंपेयर करो तो ये क्या कर दो C2 फिर से B और यहाँ पे इसको हमने क्या किया डबल कर दिया SNR प्लस इंटू 2 कर दिया और प्लस 1, तो अब इसको जब कंपेयर करोगे इसमें क्या हो जाएगा ओके, इसको कंपेयर करो C2 क्या हो जाएगा, एक तो बैंडविड्थ इंटू लॉग 2 और आपका क्योंकि ये लॉग के अंदर है ठीक है, लॉग के अंदर अगर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस 2 है तो दोनों को क्या लिख सकते हैं लॉग ए बेस 2 प्लस लॉग बी बेस 2 ओके, इनको अलग अलग कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका बैंडविड्थ लॉग 2 और SNR तो अलग आ गया ठीक है, ये 1 वाला टर्म तो हटाई दो तो दोनों में कॉमन है उससे मतलब नहीं है, प्लस बैंडविड्थ और इंटू आपका लॉग 2 बेस 2, जो ये 2 मल्टीप्लाई किया इसमें असल में वो प्लस हो जाएगा, वो टर्म ही बन जाएगा पूरा प्लस करके। अब आप मुझे बताओ ये जो बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस टू SNR है उसमें 1 भी जुड़ा हुआ है, ये किसके इक्वल है, ये C1 के इक्वल है, तो C2 इज इक्वल टू C1 और प्लस ये लॉग 2 बेस 2 1 बन गया तो ये B आ गया, तो डायरेक्ट यहाँ से ये आ गया C2 इज इक्वल टू C1 प्लस B, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है आपका जो सेनेंस चैनल कैपेसिटी थ्योरम है उससे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर 2 गुना किया है SNR तो ये आपका इसमें B ऐड हो जाएगा जो आपका कैपेसिटी ऑफ चैनल 2 होगी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है वो ठीक है,
वो क्वेश्चन है ये कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव का क्वेश्चन है, इन एयर इम्पिंज एट 45 डिग्री एंगल ऑन अ लॉसलेस डायलेक्ट्रिक मटेरियल विद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर। तो ये इम्पिंज वो लिखा या इंक्लाइन लिखा जो भी होगा, तो इतने डिग्री पे आपका वो गया है यूनिफॉर्म प्लेन वेव, ठीक है 45 डिग्री, एप्सिलॉन आर आपका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है मटेरियल का, और द ट्रांसमिटेड वेव प्रोपगेट्स इन 30 डिग्री डायरेक्शन, और वो प्रोपगेट कर रही है 30 डिग्री पे, मतलब इंसिडेंट 45 डिग्री और निकल रही 30 डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। कुल मिला के मतलब बोलो कि कुछ ऐसा 45 डिग्री पे गया है और 30 डिग्री पे इधर ये आगे जा रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये आपका अलग मीडियम है, इसका एप्सिलॉन आर है, कुल मिला के ये है। तो यहाँ पे क्या है कि n1 sin साइन थीटा वन इजकल टू n2 sin साइन थीटा टू, n1 n2 क्या है, ये स्नेल्स लॉ है आपका, n1 n2 आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे अलग अलग थीटा वन थीटा टू तो पता है, यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है कि आपका साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू ये इजकल टू रूट एप्सिलॉन आर। तो बस यही हमको लगा देना है। तो साइन 45 आपका क्या हो गया 1/√2, साइन 30 1/2, तो ये क्या आ गया आपका, ये कुछ इस तरीके से आ गया रूट एप्सिलॉन आर 2/√2 या फिर एप्सिलॉन आर 4/√2 या फिर एप्सिलॉन आर 2 आ गया, तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी ISRO का 2016 का क्वेश्चन था, यहाँ पे स्नेल्स लॉ और ये रूट आर वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ये लगा है हमारा।